नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव पर। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। जनजातीय उपमंडल भरमौर में मौसम से मिली राहत के बीच मंगलवार को दरकने लगे हैं पहाड़। मंगलवार को होली न्यागरा मार्ग पर मौरी ढाक में दरक गया पहाड़। इसकी जद में आकर मलबे में दफन हो गई सड़क। वही सड़क किनारे बनाया गया एक मंदिर भी हो गया तहस नहस। भारी मात्रा में चट्टान मलबा गिरने से पैदल आर पार की भी शेष नहीं बची जगह। अब पहाड़ दरकने से 3 पंचायतों का पूरी तरह से कट गया है संपर्क। मई की दस्तक पर भी हिमाचल की लाहौल घाटी में जनवरी की तरह हो रही है बर्फबारी। ऐसे में घाटी में हिमस्खलन का बढ़ गया है खतरा। मंगलवार को मनाली अटल टनल रोहतांग कोकसर मार्ग हिमस्खलन से हो गया है बंद। वही अटल टनल मनाली केलांग मार्ग भी 4x4 को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए है बंद। बर्फबारी से लोगों की कम नहीं हो रही है दुश्वारियां। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान कि मंडी की बेटी के लिए कांग्रेस नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर देवभूमि को किया अपमानित। इसका उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा जवाब। आने वाले दिनों में जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होगी नई सरकार, वही हिमाचल में भी भाजपा की सरकार संभालेगी सत्ता। झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई कांग्रेस, लेकिन अब जनता के सामने आ रही है सारी सच्चाई। कांगड़ा और हमीरपुर से जिताऊ प्रत्याशी तलाशने को कांग्रेस ने फिर करवाया सर्वे। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विधायक रघुवीर बाली के विकल्प तलाशने में हो रही देरी के चलते इन दोनों सीटों से कांग्रेस के अटक गए हैं टिकट। धर्मशाला लाहौल स्पीति और बड़सर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी अभी जारी है मंथन। महिला नेता को भी किसी एक सीट से प्रत्याशी बनाने को लेकर पार्टी में हो रही है माथापच्ची। हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप की तेज हो गई है जंग। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर साध रहे निशाना। अब तक राज्य निर्वाचन विभाग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने अधिक संख्या में की है शिकायतें। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 14 शिकायतें करवाई है दर्ज, जबकि कांग्रेस ने की है 4 शिकायतें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के चलते नियुक्ति और प्रमोशन रोके जाने के मामले को लिया गंभीरता से। हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी की है टिप्पणी। कोर्ट ने दिया बयान कि आदर्श आचार संहिता की आड़ में सरकार रोक देती है रूटीन व सामान्य काम। वक्त आ गया है कि इस व्यवस्था को ही दिया जाए बदल, जिससे सरकार अथवा जनता के नियमित कार्यों में उत्पन्न न हो सके कोई बाधा। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से एबीवीपी प्रदेश में शुरू करने जा रही है जागरूकता अभियान। एबीवीपी नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के मकसद से शिक्षण संस्थानों में चलाएगी जागरूकता अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मई से लेकर 8 मई तक रहेंगे शिमला दौरे पर। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने कर ली सभी तैयारियां। वहीं पुख्ता है सुरक्षा के इंतजाम। शहर में करीब 1500 से ज्यादा जवान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का देखेंगे जिम्मा। सुरक्षा को लेकर सैन्य टुकड़ियां आज पहुंच गई शिमला, साथ ही कल से बढ़ेगा पहरा। राष्ट्रपति दौरे पर छावनी में बदलेगी राजधानी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में इस बार फिर लड़कियों ने कायम किया अपना दबदबा। तीनों संकाय में कुल 90 टॉपरों में 68 पर लड़कियों ने बनाई है जगह, जबकि 22 पायदान पर ही सिमट गए हैं लड़के। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित किए गए जमा 2 कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम में हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों की रही है बल्ले बल्ले। ऊना से दौलतपुर चौक तलवाड़ा जम्मू तक रेल नेटवर्क के लिए कांग्रेस और भाजपा सरकारों के सहयोग के बाद अब कई दशकों पुराना सपना होने वाला है साकार। इस ट्रैक के पूरा होने के बाद सुगमता से हो पाएंगे माता वैष्णो देवी मंदिर व बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन। दौलतपुर चौक से मरवाड़ी गड़ू मतबाड़ा तक रेलवे ट्रैक का काम हो चुका है पूरा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।